यमुनानगर की पुलिस लाइन में धूमधाम के साथ मनाया गया आज़ादी का 75वां दिवस। स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने जिला स्तरीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस दौरान पुलिस और होमगार्ड की टुकड़ी द्वारा मार्च पास्ट आकर्षण का केंद्र रहा। स्काउट और गुजर कन्या विद्यालय द्वारा बैंड की प्रस्तुति की गई। सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी हुई। कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंस और मास्क का ध्यान रखा गया। इस मौके पर मंत्री ओम प्रकाश यादव ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और कहा कि हम उन असंख्य अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों के कर्जदार हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी। आज उन्हीं की वजह से हम आज़ाद घूम रहे हैं। उनके बलिदानों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। अपने संदेश में उन्होंने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार बिना किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य कर रही है। वहीं स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा के कड़े और पुख्ता इंतजाम किए गए थे। नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, आजादी के अमृत महोत्सव के इस पावन अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूँ। इस अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर मुझे बड़े गर्व और गौरव का अनुभव हो रहा है। उल्लास और उमंग से मनाए जा रहे इस राष्ट्रीय पर्व पर मैं यहाँ उपस्थित सभी नागरिकों और स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारजनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। यहाँ फहरा रहा ये प्यारा तिरंगा हमारी स्वतंत्रता, स्वाभिमान, संघर्ष का प्रतीक है। इसके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध 9 दशकों तक लंबा संघर्ष किया। ऐसे में ये यात्राएं झेली, हंसते हंसते फांसी के फंदे को चुमा। यमुनानगर से सुमित ओब्रॉय की रिपोर्ट।